This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وبارك وسلم السلام عليكم जी जनाब, तो इस वक्त लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सेल की शीट में एक सवाल आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें बैलेंस शीट दी गई है और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस है और उसके बाद कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है। हम अभी इस फर्दर इंफॉर्मेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी ये हम इसको इग्नोर करेंगे कुछ टाइम। हम जरा बात करते हैं ऊपर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। आप लोगों को डिफरेंस निकालनी तो आती है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? रीसेंट में से पिछले को माइनस करके, ऐसा ही होता है। रीसेंट में से पिछले को माइनस करके हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। जी ऐसा ही होता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने मुझे डिफरेंस बताना है, यानी कि अगर आपने मुझे मूवमेंट बतानी है, आपने मुझे मूवमेंट बतानी है फ्रॉम 2017 टू 2018, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, आप मुझे कैसे बता रहे होंगे? आप कहेंगे सर एक काम करें, बी माइनस ए करके देख लें, बी माइनस ए करके देख लें, डिफरेंस आ जाएगा, आ जाएगा, निकालते हैं डिफरेंस। हम क्या कर रहे हैं ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। हम जरा इसका डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंस आएगा जनाब दिस माइनस दिस, इसी तरह यहां भी निकाल लिया और इसी तरह मैंने डिफरेंस यहां पे निकाल के यहां पे निकाल लिया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी इक्विटी एंड रिजर्व है वो पिछले साल 22,000 और इस साल 29,287, डिफरेंस कितने का आया? 7,287 का। सॉरी, दिस इज ए माइनस बी, माजरत, मतलब ओवर एम्बिशियस हुआ हूं उस वक्त, थैंक यू जहूर। मेरा लॉन्ग टर्म लोन पिछले साल था 12,000, अब हो गया 8,000, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन कम हुआ 4,000 से। मेरे ट्रेड पेबल्स पहले थे 6,500, अब रह गए 6,400, यानी कि मेरे ट्रेड पेबल्स, मेरे क्रेडिटर्स 100 रुपए से कम हुए। मैं यहां पे बात कर रहा हूं,
इसी तरह मेरा जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, पहले वो था 22,818 का, अब वो हो गया 25,100 का। तो मैं कह सकता हूं कि ये 2,282 से बढ़ गया है। जरा यहां पे लिखते हैं, इसको लिखते चले जाते हैं साथ साथ। मैं कहता हूं भाई कि ये इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, और इसी तरह नीचे भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। और इधर प्रॉपर्टी प्लांट मेरा बढ़ गया, मेरे लोन्स बढ़ गए, मेरे डेटर्स बढ़ गए, मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, और नीचे मेरा कैश और बैंक कम हो गया। ऐसा ही हो रहा है, मेरी इक्विटी बढ़ रही है, मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स कम हो रहे हैं, मेरी लिटिगेशन की जो प्रोविजन है वो बढ़ गई, मेरे ट्रेड पेबल्स जनाब कम हो गए, मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गए, लोन्स टू एम्प्लॉयज बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए, इन्वेंट्री बढ़ गई, कैश बैंक कम हो गया। ये मैं नोट पैड पे भी कर सकता था, वन नोट पे या स्लाइड पे, बट उस पे काफी ज्यादा देर लगनी थी एक एक की कैलकुलेशन करके, तो मैंने इसको फिर एक्सेल में करना ज्यादा मुनासिब समझा आपके सामने, ताकि आपको जरा सही तरीके से अप्रोच की समझ आ जाए। अब यही काम जरा नीचे करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में सेम चीज करते हैं। मैं यही फॉर्मूला उठा के यहां पे कॉपी करता हूं। क्या हो गया, 73,000 रुपये की सेल थी 2017 में, अब वो बढ़ के 84,000 रुपये की हो गई है, बढ़ गई है। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल पहले 54,750 थी, अब वो 6,400 हो गई है। मैं कह सकता हूं कि ये बढ़ गई है। इसी तरह जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, पहले होते थे 10,950 के, अब ये हो गए हैं 12,850 के। क्या ये 1,900 से बढ़ गए हैं? बिल्कुल बढ़ गए हैं। पहले मेरा टैक्सेशन था 2,555 का, अब वो हो गया है 3,463 का। तो अगेन मैं ये कह सकता हूं कि ये भी इंक्रीज हुआ है। ऐसा ही हो रहा है, यहां तक कोई मसला है किसी को? ये चारों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। यहां तक बात समझ आ रही है कि हम लोग कर क्या रहे हैं? हमने अभी तक सिर्फ डिफरेंस लिया है। कैसे लिया है? कि हम लोगों ने रीसेंट में से पिछले को माइनस करके देखा है कि क्या इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जी, जहूर के अलावा अली आजम, जूबिया, अफकार, उसामा, मोहसिन, अभी तक हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ चीजों को प्लस माइनस किया। डन। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे परसेंटेज डिफरेंस निकाल के बताएं, तो कैसे निकालते हैं? यानी कि इसी डिफरेंस को, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है, इसी को मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे परसेंटेज में करके बताएं, कैसे करते हैं? अगर मैं इसी डिफरेंस को परसेंटेज में निकालना चाहूं तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है? एनीवन, आप में से कोई अगर बताना चाहे।
जी किसी का माइक ओपन है आप में से? जी जी सर, डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। बेस ईयर, तो बेस ईयर क्या होगा, 2017 का या 2018 का? 2017 का सर। 17 का। तो यहां पे मुझे एक बेस ईयर चाहिए विच इज 2017। डन। तो अब अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं कि दिस डिवाइडेड बाय बेस ईयर, दिस डिवाइडेड बाय बेस ईयर, और फिर इसको कहूं कि परसेंटेज में ले आए, इसको कहूं कि परसेंटेज में ले आए, तो परसेंटेज के लिए मैं यहां पे साइन लगा दूंगा और ये मेरा वैल्यू आ गया परसेंटेज में। इसी तरह मैं ये परसेंटेज को जरा नीचे भी कर देता हूं, सेम विद प्रॉफिट लॉस। जी हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज डिफरेंस निकाली है, यानी कि मेरी सेल्स पिछले साल से इस साल 33.12% बढ़ी है, सॉरी मेरी एक्विटी पिछले साल से इस साल 33.12% उसमें इंक्रीज आया, मेरे लॉन्ग टर्म लोन में -33.33% डिक्रीज आया, लिटिगेशन का खर्चा 10% तक बढ़ गया, ट्रेड पेवर्स मेरे 1.5% कम हुए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेरा 10% बढ़ गया, मेरे एम्प्लॉयज को लोन 25% बढ़ गए, मेरे डेटर्स 6.25% बढ़ गए, मेरी इन्वेंट्री 8.5% बढ़ गई, मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस 10.24% बढ़ गया। इसी तरह मेरी सेल्स 15%, कॉस्ट ऑफ सेल्स 10%, एक्सपेंसेस 17% और टैक्सेशन 35.5% बढ़ गई। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? अभी हमने कोई टेढ़ी बात तो की नहीं, सारी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। अब करते हैं कुछ टेढ़ी बात। मुझे बताएं, मुझे जरा बताएं आप कि अगर मुझे ये बताना हो, अगर मुझे ये बताना हो कि मेरी जीपी रेशियो क्या है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? व्हाट इज माय जीपी रेशियो? कैसे आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर आपकी जीपी रेशियो क्या है? जीपी को सेल्स पे डिवाइड कर दूं, जीपी को सेल्स पे डिवाइड कर दूं, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो जरा निकालते हैं 2017 की और 2018 की। क्या फॉर्मूला आप मुझे, आप लोगों ने बताया कि सर इसको जीपी को यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दें सेल्स के ऊपर, निकल आएगी। निकाल देते हैं, इक्वल टू किया, मैं अपने जीपी पे गया, मैंने उसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद इसको इससे डिवाइड किया सेल से, और उसके बाद
मैंने यहां पे परसेंटेज का साइन लगाया तो ये 25% आ गई। और इसको मैं करने के लिए जाऊंगा जनाब इधर, डिवाइड करूंगा 84,000 से और परसेंटेज करके 28। क्या मेरी जीपी इंक्रीज हो रही है? क्या मेरी जीपी रेशियो इंक्रीज हो रही है? 25% से वो चली गई 28% पे। पता है निकाली कैसे है? हम लोगों ने जीपी को डिवाइड किया सेल्स के साथ। जीपी कितना था? 18,225। आपके स्क्रीन के ऊपर ब्लू से आ रहा होगा। और सेल्स कितनी थी? 73,000 की। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया, जब मैंने इसको डिवाइड किया, रिजल्ट क्या आया? 25%। और इस साल यानी कि 2018 में, जो कि हमारा करंट ईयर है, उसमें मेरी जीपी रेशियो क्या है? 28%। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जीपी रेशियो इंक्रीज हुई है? क्या मेरी जीपी रेशियो इंक्रीज हुई है? तो इसमें इंक्रीज होना मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? इसमें इंक्रीज का आना मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? बेनिफिशियल है। डन। इसी तरह एक एनपी रेशियो भी होती है, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसको कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो को कैसे निकालेंगे? हमने जीपी तो निकाल ली थी, अब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कर लेंगे। ऐसा ही है, ठीक है, देख लेते हैं। हम गए फॉर्मूले में, हमने नेट प्रॉफिट उठाया और इसको हमने डिवाइड कर दिया जनाब सेल्स पे। 6.5%, 6.5%, और इधर क्या आया? 8.675%, जिसको मैं कह सकता हूं कि 8.68% है। क्या मेरी नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? क्या नेट प्रॉफिट की जो रेशियो आई है वो इंक्रीज में आ रही है या डिक्रीज में आ रही है? इंक्रीज में आ रही है। तो इसका इंक्रीज होना मेरे लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है? बेनिफिशियल है। तो ये रेशियोस हम लोगों ने निकाली। कौन कौन सी निकाली? हम लोगों ने एक रेशियो निकाली जीपी रेशियो। इसको जरा चेंज करते हैं कलर इसका, ताकि आपको बाद में भी आसानी रहे। ले जना, एक हमने निकाल ली इसकी जीपी रेशियो और दूसरी हम लोगों ने निकाल ली नेट प्रॉफिट रेशियो। डन। और दोनों क्या आई? बेनिफिशियल। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज होती है, एक रेशियो होती है आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये क्या साइंस है? ये होती है कि आपने जो कैपिटल कंपनी में इंजेक्ट किया था, आपने जो कंपनी में कैपिटल डाला था, इंजेक्ट किया था, आपको उस पर कितना फायदा आ रहा है? FR1 में आपने इसकी रेशियो पढ़ी होगी, जरा मुझे बताएंगे अगर आपको इसकी रेशियोज याद हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियो किसी को याद है?
अगर आपको नहीं भी याद तो आप इस वक्त खैर गूगल तो नहीं कर सकते, बट आपकी किताब में मौजूद है। ये जनाब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल, इक्विटी यानी के शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। अब इस केस में जरा मुझे बताएं, 2017 और 2018 अगर मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा ही है। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है 17 में, जरा कोई बता सकता है? जी आप में से कोई बता सकता है कि कितना आ रहा है? 7300। और 2018 में कितना आ रहा है? 2018 में कितना आ रहा है जनाब? 10750। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे अगर मैं फॉर्मूले में लेके जाऊं कि भाई इक्वल टू D24 को मैंने डिवाइड करना है। अच्छा, मैंने उसको डिवाइड करना है किसके साथ भला? शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट। मुझे बताएं शेयर कैपिटल कितना आ रहा है यहां पे, मुझे बताएं शेयर कैपिटल 2017 में कितना आ रहा है? दो हजार सत्रह में शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 22,000। और लॉन्ग टर्म लोन यानी कि लॉन्ग टर्म डेट कितना है? लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट कितना है मेरा? 12,000। तो ये इसका सीक्वेंस होगा, यानी कि इसको मैं प्लस करूंगा, मुझे इसको प्लस करना चाहिए ना। तो क्या आंसर आया? उसने कहा सर आपका फॉर्मूला गलत, अभी भी गलत है, कोई मसला नहीं। आंसर क्या आ रहा है? अभी भी गलत है वैसे तो, एक सेकेंड अब सही जाएगा। जी आंसर क्या आया? 21.47%। अगर मैं 7300 को डिवाइड कर दूं 22,000 प्लस 12,000 पे, तो यानी कि मेरा कैपिटल जो मैंने इंजेक्ट किया था कंपनी में वो मुझे 21% तक रिटर्न दे रहा है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? आपका इंजेक्ट किया हुआ कैपिटल 21% तक इंटरेस्ट आपको, 21% तक रिटर्न आपको दे रहा है। इसी तरह अगर मैं 2018 का करूं तो वो उसका आंसर आएगा 28.83%। पहले पिछले साल 21% का रिटर्न आपको मिल रहा था, इस साल वो रिटर्न एकदम से शूट अप हो गया और वो चला गया 28% पे, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वो तकरीबन 29% पे शूट अप हो गया। तो क्या ये चीज कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? क्या ये चीज कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं? इट इज बेनिफिशियल, इट इज। तो मैं कह सकता हूं कि ये बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। डन। इसी तरह एक और रेशियो होती है, इसको हम कहते हैं प्यार से एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो। यानी कि आपके एसेट्स, आपके जो एसेट्स हैं वो
कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके एसेट्स, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल्स में, आपके जनाब एसेट्स जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल्स में। दिस इज एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला मुझे कौन बता सकता है, एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? किसी को आइडिया हो, किसी को याद हो? एफ आर वन में बड़ा था। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एवरेज नेट सेल्स डिवाइडेड बाय, टोटल एसेट्स। नहीं नो, ये निकालते हैं जनाब सेल्स। सेल्स को आप लोग पकड़ते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं उसी एक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट के साथ। एसेट टर्नओवर कैसे निकालना है, सेल्स को डिवाइड कर देना मैंने शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं कह रहा हूं इसी फॉर्मूले में मुझे जो मेरा न्यूमिरेटर है, जो मेरा न्यूमिरेटर है, पहले यहां पे क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, अब यहां पे मुझे क्या पुट करना है, सेल्स। अब यहां पे मुझे क्या पुट करनी है जनाब, सेल्स। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को रेप्लिकेट करने की कोशिश करूं, एक सेकेंड, यहां पे चलो यहां पे कर देते हैं। और यहां भी मैं फिगर उसको दे दूं सेल्स की, और वो फिगर कहां से आएगी, सेल्स मेरा है D20 पे, तो ये कुछ 214.71 आ रहा है इसका आंसर। मेरी एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी आ रही है, 214.7%, यानी कि जो मेरे एसेट्स हैं वो मेरी कंपनी के सेल्स में 214.7% तक रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी तरह जनाब अगले साल वो रेशियो बढ़ के 225 तक पहुंच गई, रेशियो में इंक्रीज आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे एसेट्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे एसेट्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेनिफिशियल होगा, ये बेनिफिशियल होगा या नहीं? बिल्कुल ये बेनिफिशियल होगा, दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो हम लोगों ने अभी तक ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये जो चार रेशोज हम लोगों ने देखी हैं, अगर मैं इसके गिर्द एक बॉक्स सा बना दूं तो जनाब ये है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशोज। इसको हम कहते हैं रेशोज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ये बन गए मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। कौन कौन सी, एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जीपी रेशियो और एनपी रेशियो। डन, यहां तक बात समझ आई? आगे चलते हैं, आगे हम जरा निकालते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियोस, ऊपर निकाल देते हैं वर्किंग
कैपिटल रेशोस पहले मैं ये करवाता होता था वन नोट पे, बट वो काफी ज्यादा टाइम लेती थी, ये जरा इजी प्रोसेस है। वर्किंग कैपिटल रेशोस के अंदर तीन तरह की रेशोस आती हैं। नंबर वन इज एवरेज डेज टू कलेक्ट, एवरेज डेज टू कलेक्ट। दूसरी होती है एवरेज टाइम टू पे, एवरेज टाइम टू पे, और तीसरी होती है जनाब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो एक एवरेज डेज टू कलेक्ट, दूसरी एवरेज टाइम टू पे, और तीसरी है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोस। ये कहलाती है मेरी वर्किंग कैपिटल रेशियोस। इसको निकाल कर देख लेते हैं। एवरेज डेज टू कलेक्ट से मुराद ये है कि मुझे हाउ मच या इन हाउ मच डेज, इन हाउ मच डेज वी रिकवर मनी फ्रॉम डेटर्स, यानी कि हम डेटर्स से कितने दिनों में पैसे ले लेते हैं। ये होती है जनाब इन हाउ मच डेज वी पे मनी टू क्रेडिटर्स, और इन्वेंट्री टर्नओवर होती है कि इन हाउ मैनी डेज आवर इन्वेंट्री इज सोल्ड। इन हाउ मैनी डेज आवर इन्वेंट्री इज सोल्ड। तो ये तीन तरह की रेशियोज वर्किंग कैपिटल में आती हैं। कौन कौन सी? एवरेज डेज टू कलेक्ट, एवरेज डेज टू कलेक्ट, एवरेज टाइम टू पे, और इन्वेंट्री की टर्नओवर। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं जनाब। यहां रखते हैं 2017 और यहां रखते हैं 2018। एवरेज डेज टू कलेक्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज डेज टू कलेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम यहां पे कहते हैं कि भाई जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, जो मेरा इसका फॉर्मूला होगा ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि जो डेटर्स का बैलेंस आ रहा है उसको डिवाइड कर दो सेल्स के साथ, उसको डिवाइड कर दो सेल्स के साथ, और जब तुम उसको डिवाइड कर दोगे सेल्स के साथ तो फिर एंड के ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 365 डेज, यानी कि ये हमने कैलकुलेशन करनी होती है दिनों में, ये परसेंटेज में नहीं आता, ये दिनों में आता है, ये परसेंटेज में नहीं आता, ये नंबर ऑफ डेज में आ रही होती है चीज। इसी तरह सेम फॉर्मूला नीचे आएगा, बस फर्क ये होगा कि क्रेडिटर्स के लिए हम कहते हैं, क्रेडिटर्स के लिए हम कहते हैं कि भाई ये ट्रेड क्रेडिटर्स आएगा या ट्रेड पेबल्स आएगा, और सेल्स की जगह पे क्या हो जाएगा, सेल्स की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 365 डेज, उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 365 डेज। और इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं भाई कि आप अपनी इन्वेंट्री को उठाएं, उसको डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ, और जब डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 365 डेज से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तीन रेशियोज और ये उनके तीन फॉर्मूलेज किसके? वर्किंग कैपिटल के। किसके? वर्किंग कैपिटल के। अब जरा देखते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। लो जी ट्रेड रिसीवेबल ढूंढ,
ये रहे मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स, डन। इसको डिवाइड करना है मैंने किसके साथ, सेल्स के साथ। तो सेल्स को ढूंढते हैं जनाब, सेल्स कितने हैं, सेल्स मुझे मिल गई यहां पे, मुझे मिल गई सेल्स यहां पे। यहां पे लगाते हैं एक ब्रैकेट, यहां भी लगाते हैं और एक ब्रैकेट, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 365 के साथ। तो रिजल्ट क्या आया, 40 days। रिजल्ट क्या आया, 40 days, यानी कि हम अपने डेटर से ऑन एवरेज 40 days के बाद कलेक्शन कर रहे हैं। हम अपने डेटर से 40 days के बाद कलेक्शन करते हैं, और 18 में ये 40 से कम होके तकरीबन 37 तक चला गया। हम इसको 37 ही काउंट करेंगे क्योंकि डेज हमेशा सिंगल डिजिट में होते हैं, ये डेसिमल्स में नहीं होते। तो अगर 40 डेज से कम होके 37 डेज पे आ गई इन चीजें, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये कंपनी के लिए फायदेमंद है? जी सर, तो बेनिफिशियल ये क्या हुआ, बेनिफिशियल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, डेटर से हमें जल्दी पैसे लेने होते हैं तो क्रेडिटर्स को क्या करना होता है, पैसे लेट दें तभी ये बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो जी सर, पैसे लेट पे। लेट पे करना और जल्दी पैसे लेना, क्या ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है ना? बिल्कुल जी ऐसा ही है, सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मसला ये है कि सवाल में कहीं कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं दी हुई, सवाल में कहीं कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं है, तो हम अनफॉर्चुनेटली ये वाली रेशो तो निकाल नहीं सकते, हम ये रेशो अनएबल टू कैलकुलेट बिकॉज देर इज नो कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन। हमें कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं दी गई तो हम ये रेशियो नहीं निकाल सकते, माजरत के साथ। इसको निकाल लेते हैं भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि हमारी इन्वेंट्री जल्दी बिकनी चाहिए, जितनी जल्दी इन्वेंट्री बिकेगी उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। इसको देख लेते हैं भाई, इसने कहा कि तुमने इन्वेंट्री को डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ सेल पे। आइए ढूंढते हैं इन्वेंट्री किधर है, इन्वेंट्री ये है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है मैंने कॉस्ट ऑफ सेल पे। तो कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ गई, कहाँ गई, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। और अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है 365 डेज के साथ। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है 365 डेज के साथ, यानी कि तकरीबन 47 डेज में मेरी इन्वेंट्री सोल्ड होती है, और अगले साल ये 47 से कम होकर तकरीबन 45-46 पे जा रही है। तो क्या ये बेनिफिशियल है कंपनी के लिए या नहीं, क्या ये कंपनी के लिए फायदेमंद है? बेनिफिशियल है बिल्कुल क्योंकि इन्वेंट्री अगले साल जल्दी सेल हो रही है। बिल्कुल, ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो हमने 4 रेशोज नीचे निकाली थी, 3 अदर रेशोज हमने ऊपर निकालने, डन। कुछ और रेशोज देख लेते हैं जनाब, सर कुछ मेरा ये रेशोज होती सवाल हैं। है, ये आपका सर सवाल ये होगा क्रेडिटर के डिवाइड, ऊपर, सर ऐसा ही? हाँ बताओ बताओ। जी सर, मेरा सवाल ये था कि ट्रेड पेबल और डिवाइडेड बाय जब हम कॉस्ट ऑफ परचेज कर रहे हैं तो इस ट्रेड पेबल में हम क्रेडिटर लेंगे या अदर पेबल्स भी लेंगे? सिर्फ सिर्फ क्रेडिटर्स लेंगे, क्रेडिटर्स ही लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये क्रेडिटर्स की रेशो है ना। ओके। अच्छा तीसरी तरह की रेशो होती है लिक्विडिटी रेशो। इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होती है करंट रेशो और दूसरी होती है क्विक रेशो। क्या मुझे कोई दोनों में डिफरेंस बता सकता है, क्विक रेशो में और करंट रेशो में?
क्विक रेशियो में स्टॉक नहीं होता। और करंट में होता है, यानी कि करंट को हम कहते हैं कि ये, करंट को हम कहते हैं कि ये होती है हमारी करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, ऐसा ही है अच्छा इसको हम कहते हैं कि भाई ये है हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में क्विक रेशो के अंदर हम लोग कहते हैं भाई कि तुम करंट एसेट्स तो ले रहे हो, शाबाश लेते रहो, मगर इसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर देना, इन्वेंट्री को निकाल देना। तो जरा देखते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को ढूंढते हैं। पहले करंट एसेट्स कहाँ है, मेरे करंट एसेट्स, क्या प्रॉपर्टी प्लांट करंट एसेट है, क्या प्रॉपर्टी प्लांट करंट एसेट है, नो। क्या लोन टू इंप्लॉय करंट एसेट है, नो। क्या ट्रेड डेटर्स करंट एसेट्स हैं, यस। क्या इन्वेंट्री करंट एसेट है, यस। क्या कैश और बैंक इन करंट एसेट है, द आंसर इज यस। तो मैं इन तीनों को उठाया, मैंने इन तीनों को उठा लिया और इन तीनों को उठाने के बाद मैंने डिवाइड करना है उसको करंट लाइबिलिटीज के साथ। एक सेकेंड, अब इसको मैंने उठाना है करंट लाइबिलिटीज के साथ, वो कितनी आ रही हैं, वो आ रही हैं जनाब लॉन्ग टर्म लोन तो नॉन करंट होता है, प्रोविजन अगेंस्ट लिटिगेशन ये शॉर्ट टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है, यानी कि ये करंट और ये करंट है, यानी कि 6500 और 1000, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं कि जी क्या मेरी आवाज सबको सही आ रही है, आवाज सबको क्लियर आ रही है, ठीक है सर। आप मुझे बताएं ना, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, मुझे लगा शायद आवाज चली गई यहां से। मुझे बताएं कि इसमें इसमें और इसमें ये तीनों क्या मेरे करंट एसेट्स हैं, क्या ये तीनों मेरे करंट एसेट्स हैं, और क्या ये दोनों मेरी करंट लाइबिलिटीज हैं, क्या ये दोनों मेरी करंट लाइबिलिटीज हैं, बिल्कुल हैं। तो मुझे बताएं करंट रेशियो जो होता है, करंट रेशियो की एवरेज मतलब जो उसकी एक मार्केट में एक अच्छी रेशियो समझी जाती है वो कौन सी होती है, 1:1 या 2:1। बेसिकली करंट रेशियो क्या है कि मेरे एसेट्स मेरी लाइबिलिटीज को कितने परसेंट मीट कर सकते हैं। गलत, 1:1 नहीं है, 2:1 है। करंट एसेट्स के लिए दैट इज 2:1 और क्विक रेशियो के लिए दैट इज 1:1। करंट एसेट्स के लिए इट इज 2:1 और क्विक रेशियो के लिए इट इज 1:1, ये बात याद रहेगी। जी ये बात याद रहेगी। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, अगर ये
टू रेशो वन से कम का रिजल्ट आया, यानी कि अगर टू से कम का रिजल्ट आया तो मैं कहूंगा कि मेरी कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट पे चली गई है। याद है हम कहते थे कि कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा हो गई है और एसेट्स कम हो गए तो वो उसकी गोइंग कंसर्न डाउट पे हो जाती है, याद है? ऐसे ही था। तो आप लोगों ने इसकी वर्किंग करनी है कि भाई करंट एसेट्स क्विक रेशो और ये करंट रेशो कितनी होती है। मैं आपको वैसे बता देता हूं, इसका आंसर आपके पास आएगा, करंट रेशो का आपके पास आंसर आएगा 2017 में और 2018 में, दैट वुड बी 2.38, और इधर आएगा 2.49। इसी तरह जो क्विक रेशो है उसका आंसर आएगा 2018 और 17, 17 में आएगा इसका आंसर 1.45 और 18 में आएगा 1.47। तो अगर आप गौर से देखो ये दोनों साल में दो से ऊपर है और ये दोनों साल में एक से ऊपर है। तो जहां पे ये दो से नीचे गई और जहां पे क्विक रेशो एक से नीचे गई, इसका मतलब है कि कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट पे होगी। आज हमने क्या किया है, आज हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बेस रख दी है, आज हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बेस रख दी है, यानी कि हमने आईएसए 520 को न्यूमेरिकली देखा है। आईएसए 520 जो कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स का सवाल आता है एग्जाम में, जिसमें आपको ऐसा ही कुछ डाटा दिया होता है और आपको उस डेटे को प्रोसेस करना होता है, उस डेटे को अंडरस्टैंड करना होता है और उस डेटे में से रिस्क निकालना होता है। दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो हमने कुछ रेशोज निकाली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज निकाली हैं। ये वो रेशोज हैं जो कि आप सवाल में निकाल सकते हैं अपने आंसर को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए। कल हम लोग इसकी थ्योरी पे बात करेंगे और समझेंगे कि इसके सवाल को मजीद कैसे लेके आगे चलना है, और इसी से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। डन। चूंकि वक्त की शॉर्टेज है वरना मैं इसको कंप्लीट करवा देता, बट कोई बात नहीं, हम लोग कल इस पे बात कर लेंगे मजीद। क्लियर? आज का लेक्चर समझ आया? सब कल सब कुछ दिखाऊंगा, कल सब कुछ दिखाऊंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि जब ये लेक्चर दोबारा से अपलोड हो पोर्टल पे तो एक दफा देख लीजिएगा, एक दफा सुन लीजिएगा। अगर सवाल देखना चाहते हैं, अगर सवाल देखना चाहते हैं तो ये स्प्रिंग 2019 का सवाल है, स्प्रिंग 2019 का सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। बट उन्होंने इसको रेशियो से नहीं किया हुआ तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि किताब में उन्होंने क्या किया है, FR1 से सारी रेशियोज उठा के डाल दी है। ये वही रेशियोज हैं जो कि आपने इससे पहले FR1 में पढ़ी थी। किताब ने क्या किया, किताब ने 520 में वर्ड पढ़ा रेशियोज, उनको याद आया अच्छा रेशियोज तो हमने बच्चों को FR1 में टेस्ट की थी, चलो वही उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं। हाँ जी, क्लास वाला सवाल मैंने आईकैप का पास पेपर ही लिया है, स्प्रिंग 2019 का सवाल है ये, मैं ग्रुप में इसको अलग से शेयर भी कर दूंगा। तो आपने, मैं चैप्टर भी शेयर कर दूंगा, आपने क्या करना है, रेशियोज को देख के आना है, इस सवाल को देखना है और चैप्टर को एक दफा पढ़ के आना है। कल 520 का चैप्टर आप सारे पढ़ के आएंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक दो पेज पे खत्म हो जाएगा, और कोशिश करनी है कि ये सवाल एक दफा जहां तक हम लोगों ने किया है वहां तक तो करें और मजीद उसको कुछ आगे लेके जरा आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है जी, ऑल डन, ऑल क्लियर, ऑल डन, ऑल क्लियर। कल इसके ऊपर मजीद बात करेंगे और 520 को आगे लेकर चलेंगे। इज इट ओके? ठीक है जी, फिर मिलते हैं, मैं ये चैप्टर और ये सवाल शेयर करता हूँ अभी ग्रुप में कुछ टाइम में। अल्लाह हाफिज।